ना लेट्स come to द नेक्स्ट वन वर्ब कंपाउंड हम लोग काफी कुछ समझ चुके हैं अब और आप यदि इतना समझ गए हैं तो मान लीजिए कि आप अब सही लिख सकते हैं बशर्ते आपके पास शब्द हो अंग्रेजी के शब्द हो और वो भी आएगा रीडिंग से तो पर इतना तय है कि यू हैव अंडरस्टूड इंग्लिश आप अंग्रेजी समझ चुके हैं अब हम आते हैं अगले बिंदु पर और वो है वर्ब कंपाउंड कंपाउंड मतलब आप समझते हैं फिर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कंपाउंड एक से ज्यादा चीजों के मिलने से जो बनता है वो कंपाउंड केमिस्ट्री में तो कंपाउंड और मिक्सचर में भी अंतर है मिक्सचर में भी एक से ज्यादा चीजें रहती हैं कंपाउंड में भी एक से ज्यादा चीज रहती है दोनों में क्या अंतर है केमिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते आप लोग बेहतर समझेंगे यहां पर हमें मिक्सचर के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है यहां केवल उसे कंपाउंड कहते हैं वर्ब कंपाउंड ये कंपाउंड क्या है मैंने बताया आपको वर्ब दो चीजों से बनता है दो चीजें बताता है एक तो टाइम और दूसरा एक्शन यदि वर्ब कंपाउंड की बात करें तो दो उसमें तत्व तो जुड़े हुए हैं मैंने वो यूज किया आपको एक था हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या था मेन वर्ब एक था हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या था मेन वर्ब सो कंपाउंड में कंपाउंड वर्ब में दो तरीके के वर्ब रहते हैं एक मेन और एक हेल्पिंग बिल्कुल सही समझ गए आप मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था डू डिड डन फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फिर मैंने आपको बताया था इज वॉज और कहा था यह किस वर्ब के फॉर्म है मैंने बताया था ये किस वर्ब के फॉर्म है बी के बी ई बी का रूप है इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होते हैं ऐसे ही हैव के बारे में भी मैंने कहा था हैव हैड और हैव जो है वो बहुवचन है और हैज जो है वह एक वचन के लिए उपयोग होता है ये वर्ब है अब सवाल ये आता है कि ये कौन से वर्ब हैं यानी डू है कि हेल्पिंग वर्ब हैं अभी तक हमने पढ़ा कि ये हेल्पिंग नेचर के वर्ब हैं अभी तक इसको हमने समझा कि ये हेल्पिंग वो लेकिन आपको क्लियर कर दें और ये अभी बैठा लीजिए मन में कि ये हेल्पिंग भी है और मेन भी है मैंने एक वाक्य बनाया था ही डज द होमवर्क ही डज द होमवर्क तो जो डज है ये तो एक वचन होने के कारण डू का डज हुआ यहां तो ये यह मेन वर्ब हो गया ही डज द होमवर्क इसमें क्रिया कहां है इस वाक्य में डू ही तो है ना डज ही तो क्रिया है ही तो वर्ब है यहां पर यह मेन वर्ब है उसके अलावा और कोई सब दिख रहा है क्या सेंटेंस में नहीं तो यहां पर डज मेन वर्ब हो गया आई हैव ए पेन आई हैव ए पेन इस सेंटेंस में हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है या दोनों है उत्तर है ये दोनों है जैसे डू हेल्पिंग भी है मेन भी है ऐसे ये भी हेल्पिंग भी है और मेन भी है क्लियर के तीन फॉर्म क्या क्या हैं हैव हैड हैड हैव हैड had, had. और एक मैंने बी का बताया था इज और आर इज और आर भी लिख सकते हैं और फिर उसका सेकंड फॉर्म क्या है? और एक वचन के लिए आर बहुवचन के लिए पास्ट में या सेकेंड फॉर्म में वॉज एक वचन के लिए वर बहुवचन के लिए और इसका थर्ड फॉर्म मैंने बताया था बीन आपको याद होगा

कौन सा फॉर्म कंटिनूअस फॉर्म और बी का क्या बनेगा कंटिनूअस फॉर्म बीइंग याद रखिए बी का कंटिन्यूस फॉर्म बनेगा बीइंग इज का कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होता वाज का कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होता ये इज वाज वर जिससे बने हैं किससे बने हैं ये बी से बने हैं तो इसका कंटिन्यूस फॉर्म क्या है Being. तो उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये सब क्या है अब हम एक और बिंदु पर आते हैं जो लास्ट है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म और उसके बाद फिर कंटिन्यूस फॉर्म एंड नाउ वी कम टू लास्ट पार्ट ऑफ इट ये सिंगुलर वर्ब को यही हम समझ लें उसका एक कॉलम समझ लें वैसे मैं बता दिया हूं आपको कि सिंगुलर वर्ब क्या है सिंगुलर वर्ब क्या है सिंगुलर वर्ब जैसे डू बहुवचन में आता है They, do, जो है शब्द वर्ब वो बहुवचन में लेकिन यदि एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए उपयोग करना है तो वह डज हो जाता है क्या हो जाता है डज यानी वर्ब में या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में यदि मैं कहूं V1 वन प्लस एस या ई एस ये कब लगता है एक वचन में एस या ई एस कब लगता है एक वचन में गोज डज लेकिन स्लीप्स में क्या लगता है केवल एस तो पह, क्या फॉर्मूला बना आपके लिए V1 वन फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस सिंगुलर के लिए ऐसे ही यदि मैं हैव की बात करूं तो हैव का सिंगुलर सिंपल है हैज और बी की बात करूं तो बी में सिंगुलर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि बी के सिंगुलर में इज और एम आता है इस किसके के लिए ही इज गोइंग अब आर सिंगुलर में कब आता है थोड़ा दिमाग दौड़ाइए आपने बहुत सुना है बहुत पढ़ा है सिंगुलर में कौन से प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन सर्वनाम के साथ आर जुड़ता है यू आर गोइंग तुम जा रहे हो यू आर गोइंग तुम जा रहे हो यह है सिंगुलर यहाँ पे यू क्या है सिंगुलर है लेकिन वैसे आर जो है वो बहुवचन में उपयोग होता है मैं इसी बात को बताना चाह रहा हूँ कि वह सामान्यतया आर जो है ए आर ई आर वो बहुवचन के साथ उपयोग होता है प्लूरल के साथ उपयोग होता है लेकिन यहाँ पर हम इसको स्पष्ट कर लें कि ये आर यू के साथ भी होता है एनी डाउट और तीसरा है एम ये तीनों किसके सिंगुलर फॉर्म है बी के सिंगलर फॉर्म है एम किसके साथ वेरी सिंपल एम केवल आई के साथ होता है बस आई एम गोइंग अंग्रेजों ने आई मैं मैं को कुछ अलग स्थान दिया है तो मैं के लिए उन्होंने अलग शब्द लिया मैं जाता हूं आई गो मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग आई इज गोइंग नहीं होगा आई आर गोइंग नहीं होगा उसके लिए बिल्कुल अलग शब्द उन्होंने अलग हेल्पिंग वर्ब लिया है या अलग वर्ब लिया है और वो है बिल्कुल अलग रूप लिया है उस वर्ब का मैं अलग वर्ब कहना गलत होगा बी का बिल्कुल अलग रूप उन्होंने क्रिएट किया है और वो है एम आई एम गोइंग राइट सो ये एक आप अब समझ गए हैं वर्ब कंपाउंड क्या होता है वर्ब कंपाउंड के प्रकार देखा आपने और उसके बाद वर्ब कंपाउंड कैसे बनते हैं अलग अलग उनके फॉर्म्स कैसे रहते हैं होप यू हैव अंडरस्टूड बहुत निकट आप पहुंच रहे हैं अच्छी अंग्रेज़ी समझने के सेंटेंस बनाने के सही समय पर सही तरीके से वाक्य टाइम के साथ बनाने का बहुत सही आपको बढ़ रहे हैं धीरे धीरे तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट जो आपका बिंदु है इसमें वो क्या है वर्ब कंपाउंड जानने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट में अब हम क्या जानेंगे नेक्स्ट में हम एक तरीके से उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमने पहले सीखा कि कैसे कंपाउंड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है वो टाइम कैसे बताता है और कंपाउंड सेंटेंस में मेन वर्ब होता है उसका रूप कैसे बदलता है लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ही हैज ही हैड डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम अभी जो हमने किया था इसके पहले वो था प्रेजेंट फॉर्म में किस में था प्रेजेंट फॉर्म में यानी इसी को यदि हम प्रेजेंट में करें तो हेड की जगह क्या हो जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा हेड को हटा दीजिए उसके बदले प्रेजेंट में लाना है तो क्या लाएंगे हेड कौन सा फॉर्म है सेकेंड फॉर्म V2 लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हैज और वो फर्स्ट फॉर्म को और क्या बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म तो हमने प्रेजेंट तो कर लिया है अब हम आते हैं पास्ट पे सेकेंड फॉर्म पे तो ही हैड डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम उसने काम पूरा कर लिया था इससे पहले कि उसके पिताजी आते अब यहां देखिए हेड जो है नीचे उसके लिखे सेकेंड फॉर्म वी टू डन के नीचे हम लिखे कौन सा फॉर्म डन कौन सा फॉर्म है डू डिड डन थर्ड फॉर्म करना डू मैंने करना उसका थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म को क्या बोलते हैं पास्ट और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं परफेक्ट तो ये कौन सा सेंटेंस है बोलिए पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है राइट ऐसे ही केम बिफोर हिज फादर केम केम कौन सा फॉर्म हुआ सेकेंड फॉर्म सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट और ये इनडेफिनिट है तो पास्ट इनडेफिनिट अनदर एग्जांपल दे वर डूइंग देयर वर्क देखिए ध्यान से दे वर डूइंग देयर वर्क देर बहुवचन है राइट right? देयर की स्पेलिंग थोड़ा देख लें हम लोग बहुत गलतियां करते हैं जैसे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दो अलग अलग शब्द हैं स्कूल के प्रिंसिपल की स्पेलिंग अलग है और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत होता है उसकी स्पेलिंग अलग है हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल के लिए सिद्धांत की स्पेलिंग लगा देते हैं बहुत गलत है ऐसे यहाँ भी हम गलती करते हैं टी एच ई आई आर है देअर यहाँ देअर का मतलब है उनका दे आर देयर प्रॉपर्टी ये उनकी प्रॉपर्टी है देयर बुक्स आर वेरी कॉस्टली उनकी किताबें बड़ी महंगी हैं देयर प्राइजेज आर वेरी हाई क्वालिटी देयर प्राइजेज आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी तो देयर यहां पे क्या स्पेलिंग है टी एच ई आई आर उनके और एक दूसरा शब्द होता है टी एच ई आर ई उसके भाई चारण देर है वहां देर का मतलब क्या हुआ वहां यहां नहीं वहां हियर मतलब यहां देयर मने वहां तो हम यहाँ पे हियर और देयर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं तो इसलिए ये वाक्य है दे डूइंग देअर वर्क अब वर कौन सा फॉर्म है बी का सेकेंड फॉर्म वी टू डूंग कौन सा फॉर्म है आई एन जी वाला फॉर्म क्या कहलाता है कंटिन्यूस फॉर्म सो ये कौन सा सेंटेंस हो गया पास कंटिनुअस क्या हो गया टेंस पास कंटिन्यूस टेंस वूइंग लेटस कम टू द लास्ट एग्जाम्पल एंड स्टिल बिगर एग्जाम्पल दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर द लास्ट टू ईयर्स दे हैव बीन डूइंग देर वर्क ये हैव जो है वो कौन सा फॉर्म है प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है तो यहां लिखे प्रेजेंट वी वन बीन कौन सा फॉर्म है बी का थर्ड फॉर्म है तो वी थ्री और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट और डूइंग तो आप समझ गए कंटिन्यूस ही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुअस राइट ये तो हुआ प्रेजेंट का और हम बात कर रहे हैं पास्ट की तो इसको बदल के हम पास्ट कर दें क्या करना होगा हैव को बदल कर जो वी पर जो प्रेजेंट है उसके बदले हम वी टू यानी पास्ट सेकेंड फॉर्म ले आए हैव का सेकेंड फॉर्म क्या हैड दे हैड बीन डूइंग देर वर्क फॉर द पास टू ईर्स राइट तो यह हो गया पास परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा टेंस हो गया पास परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अब इसमें आप जब इतने रूप को उसको देख रहे हैं तो मैं एक छोटी सी चीज और बताऊंगा इसी पे ही रिवाइज कर ले हम लोग कि इसमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हैव बीन दे वेर डूइंग द वर्क में कौन सा है वर और ऐसे ही हैड डन में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हैड और दूसरा जो वर्क है वर्ड है डन मेन है मेन वर्ब है कंपाउंड वर्ब के आइडेंटिफिकेशन बार, के बारे में जब हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन वर्ब आइडेंटिफिकेशन तो उसमें मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब assisting verb हमने पढ़ा so this is how we have almost now completed our tense part अब हम आगे बढ़ते हैं now we move to the next one so what is that next now next में अब हमारी कुछ exercises हैं कुछ sample examples हैं वैसे आई एम श्योर कि हमने पर्याप्त एग्जाम्पल कर लिए लेकिन फिर भी स्टिल लेट अस डू समथिंग लिटिल फास्टर प्रेजेंट आई प्ले फुटबॉल अब देखिए पहले सेंटेंस में ही आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि सर आई तो सिंगुलर है और आपने बताया है कि सिंगुलर के साथ एस या ई एस जुड़ता है किस में वर्ब में किसमें जुड़ता है वर्ब में सिंगुलर वर्ब और आई सिंगल है एक वचन है मैं तो यहां पे एस क्यों नहीं है ये भी एक नियम है अपवाद है इट इज एन एक्सेप्शन दिस रूल इज एन एक्सेप्शन आई एक वचन होते हुए भी बहुवचन जैसा ट्रीट होता है वर्ब के मामले में याद रखिए समझ रहे हैं मेरी बात आई एक वचन जैसा एक वचन होते हुए भी बहुवचन जैसा ट्रीट होता है वर्ब के मामले में मैं वर्ब की बात कर रहा हूं कि वर्ब में एस या ई एस क्यों नहीं लगा है इसलिए क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में आई को बहुवचन रखा है अंग्रेजों ने मैंने बताया ना अंग्रेजों ने आई के साथ बहुत खेल किया है मैं के साथ बड़ा खेल किया है मैंने बताया है, आई के साथ एम आता है केवल उसी के साथ आता है आई एम गोइंग और किसी शब्द के साथ किसी सेंटेंस में एम आप नहीं सुनेंगे आई के साथ ही आए ऐसे यह भी एक अपवाद है कि आई को उन्होंने बहुवचन जैसा ट्रीट किया है आई को बहु आई मैंने ताकतवर बहुत लोगों जैसा ऐसे याद रखिए ताकतवर तो उसको भी उन्होंने बहुवचन जैसा ट्रीट किया है और उन्होंने कहा आई प्ले आई गो आई गो नहीं होगा यह तो हो गया प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म इसमें प्ले जो है वो कौन सा फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म नेक्स्ट इज यहां पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस याद रखेंगे कोई अंतर नहीं है ग्रामर में अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का उपयोग हो जाता है आ, टेक्निकल शब्दों का तो आप प्रोग्रेसिव को यहाँ पर कंटिन्यूस ही पढ़ें कंफ्यूज मत हुए तो हम नेक्स्ट सेंटेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूस आई एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों है क्योंकि एम जो है वो कौन सा फॉर्म है बी का कौन सा फॉर्म है एम एम जो है वह बी का फर्स्ट फॉर्म है वी वन राइट और प्लेइंग कंटिनुअस फॉर्म है वी वन प्लस आई याद है आपको बताया था वी वन प्लस आई पिछले वीडियो में हमने बताया वी वन प्लस आई एन तो यह हो गया आपका प्रेजेंट कंटिनुअस प्रेजेंट एम के नीचे प्रेजेंट और प्लेइंग के नीचे कंटिन्यूस अब देखो एम की स्पेलिंग कैसी है मैं टेंस के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आपको बताते जा रहा हूं जो अंग्रेजी में जरूरी है जानना आई एम प्लेइंग एम को देखिए क्या लिखा है आई उसके बाद अपॉस कामा और फिर प्लेइंग ये जो ऊपर जो कामा लगा हुआ है एम के पहले वो है अपॉस क्या कहते हैं एपोस्ट्रॉफी, ट्रॉफी ए पी ओ एस टी आर ओ पी एच ई एपॉस लगाने से हमने एक अक्षर उड़ा दिया एम का कौन सा अक्षर ए एम की स्पेलिंग क्या है एम तो एम ना लिख करके हमने आई के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाया और एम लिख दिया ये सही अंग्रेजी है गलत नहीं है तो याद रखेंगे एपॉस कहते हैं उसको एपॉस इज लाइक ए कॉमा तो आई एम प्लेइंग ये कौन सा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअ जैसे फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट कहलाता है अब हम पास्ट पे आए पास्ट कौन सा फॉर्म कहलाता है सेकेंड फॉर्म आई प्लेड बास्केटबॉल आई प्लेड बास्केटबॉल प्लेड कौन सा फॉर्म है प्ले प्लेड सेकेंड फॉर्म हुआ तो आ गया वी टू सेकेंड फॉर्म तो ये क्या कहलाएगा पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट जैसे पहला था सिंपल प्रेजेंट ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है आई हैव जस्ट प्लेड बास्केटबॉल या हम उसके पहले पास्ट कंटिनुअस को देख लें पास्ट कंटिनुअस क्या है पास्ट कंटिनुअस में आई वॉज प्लेइंग कैसे हुआ आई वॉज प्लेइंग वॉस क्या है आई वॉज प्लेइंग वॉस क्या हुआ वॉस पास्ट वी टू और प्लेइंग क्या हुआ कंटिनूअस और वॉश क्या हुआ वी टू तो so, यहाँ पे ये यह हो गया पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिनुअस नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आई हैव प्लेड आई हैव प्लेड बास्केटबॉल हैव कौन सा फॉर्म हुआ फर्स्ट फॉर्म किसका फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म हुआ प्लेड कौन सा हुआ आई हैव प्लेड प्लेड किसका हुआ प्लेड हुआ आई हैव प्लेड बास्केटबॉल V3. वी थ्री प्ले प्लेड प्लेड परफेक्ट परफेक्ट कंप्लीट हो गया काम आई हैव प्लेड बास्केटबॉल देखिए ऊपर भी प्लेट था यहाँ भी प्लेट था उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अंतर कैसे जानोगे कि ये कौन सा फॉर्म है प्ले का और वो प्लेड का ये सेकंड फॉर्म है या प्लेड का ये थर्ड फॉर्म है ये कैसे जानेंगे समझने की बात है थोड़ा गौर से देखिए दोनों सेंटेंस में प्लेड है पर अंतर क्या है दूसरे सेंटेंस में प्लेड मेन वर्ब है उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब क्या है हैव, जबकि ऊपर हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो मेन वर्ब ही है और इसलिए वो पास्ट सिंपल पास्ट है यहां पर वह परफेक्ट में आ गया है परफेक्ट हो गया काम पूरा हो गया इट इज हेल्पिंग कंपाउंड वर्ब हो गया I have just played basketball. Now let us come to the next one. I have been playing basketball for three weeks. I have been playing. Have kaunsa form hua? First form, V1. Been kaunsa form hua? Third form, B ka third form. So V3. Yaane perfect. So present, perfect. Or playing to so continuous to hai. प्रे प्रेजेंट आई है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन राइट और आई हैड बीन प्लेइंग में क्या हो जाएगा पास परफेक्ट कंटिन राइट फ्यूचर की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं अभी फ्यूचर को अभी रोक के रखिए फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं है जब आएगा तब देखेंगे अभी हम फिलहाल प्रेजेंट और पास्ट पे अपना फोकस करें प्रेजेंट और पास पे अपना ध्यान करें उसको मास्टरी करें राइट सो वी मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं यहां देखिए प्ले का वही रूप दिया हुआ है इसको अलग तरीके से यहां दिखाया है और आपको हॉरिजॉन्टली भी समझाने की कोशिश किए हैं कि एक होता है सिंपल फॉर्म दूसरा होता है पास्ट एक तो सिंपल फॉर्म में पहला दूसरा होता है प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म देखिए कैसे बना प्रेजेंट पर आप पढ़ें थोड़ा सा आई प्ले प्ले कौन सा फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म तो सिंपल फॉर्म आई एम प्लेइंग में हेल्पिंग वर्ब क्या है एम प्लेइंग क्या है कंटिन्यूस फॉर्म तो कंटिन्यूस फॉर्म है तो इट इज प्रोग्रेसिव फॉर्म राइट अब तीसरा सेंटेंस क्या है आई है have. Played कौन सा फॉर्म है प्लेड सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है कैसे जानेंगे प्लेड सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है कैसे जानेंगे मैंने आपको अभी बताया कि यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब है तो वो थर्ड फॉर्म होगा बताया था आपको प्ले प्लेड प्लेड दोनों जगह प्लेड है सेकंड फॉर्म में भी प्लेड है थर्ड फॉर्म में भी प्लेड है पर थर्ड फॉर्म के साथ हैज है दूसरे शब्दों में यदि हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है वर्ब के साथ तो डाउट ही नहीं होना चाहिए आप सीधा बोलिए ये थर्ड फॉर्म है आप समझ गए यदि हैव हैड लगा हुआ है तो आप कह दीजिए कि थर्ड फॉर्म है आग बंद करके आप बोल सकते हैं थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म सो so, आई हैव प्लेड प्लेड में थर्ड फॉर्म है और ऐसे ही नेक्स्ट इज आई हैव बीन प्लेइंग जरा देखिए हैव कौन सा फॉर्म हुआ फर्स्ट फॉर्म बीन कौन सा फॉर्म हुआ थर्ड फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म मैंने प्रेजेंट बीन हुआ थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट और फिर उसके बाद प्लेइंग है तो कंटिन्यूस हुआ तो क्या हुआ आई हैव बीन प्लेइंग मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिनुअस राइट तो सिमिलरली पास्ट में भी आई प्लेड वी टू सेकेंड फॉर्म आई वॉज प्लेइंग वॉज इज

तो यू कैन से इट इज ए परफेक्ट फॉर्म पास्ट परफेक्ट क्योंकि हैड पास्ट में आता पास्ट और अब लास्ट है आई हैड बीन प्लेइंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एनी डाउट सो विद दिस दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो ओवर एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन अब हम अगले में बढ़े और इस प्रकार थोड़ा सा अपने को और मजबूत करें टेंस को समझने में